हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जिसकी चार भुजाएं होती हैं। हमारे पास कुछ चतुर्भुज दी गई हैं, जैसे कि सबसे पहले है समलंब चतुर्भुज। इसके आकार में दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, समानांतर, और उनकी दूरी ऑब्वियसली बराबर होगी, उसे हमने H से लिखा है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होगा 1/2 गुना A जोड़ B, जो समानांतर भुजाएं हैं उनका जोड़, उनकी लंबाई को हमने ऐड करना है, गुना H, जो ये जोड़फल आ जाएगा उसको समानांतर भुजाओं की जो दूरी है आपस में उससे मल्टीप्लाई करना है। दूसरी चतुर्भुज है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, इस तरह। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 गुना H1 जोड़ H2। ये H1 H2 क्या है? ये एक कोई भी विकर्ण लेकर उसकी सामने वाले शिखरों से दूरी है। विकर्ण D उसकी दूरी उसके ऑपोजिट शिखरों से H1 एंड H2, उस दूरी को जोड़ किया और जोड़फल को गुणा करना है उसी विकर्ण की लंबाई से D। फार्मूला बना 1/2 H1 जोड़ H2 गुना D। तीसरा है सम चतुर्भुज। सम मीन्स सेम, ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई सेम हो। ये वर्ग से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसका ये हरेक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी नहीं है। वर्ग में हरेक कोण 90 डिग्री का होता है, हर एक भुजा बराबर आकार की होती है। यहाँ भुजाएं बराबर हैं लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 गुना D1 गुना D2। D1 और D2 इसके विकर्ण हैं, डायगोनल्स हैं। इनकी गुना कर दो, उसको गुणनफल को हाफ कर दो तो हमें मिलेगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इन क्षेत्रफल के सूत्रों को हम दैनिक जीवन में या गणित की समस्याओं में कैसे उपयोग करते हैं, आइए देखते हैं प्रश्नों की सहायता से। पहला प्रश्न है, मेज की सतह का क्षेत्रफल पता करो। यहाँ पर हमें एक मेज का चित्र दिया गया है और जिसकी सतह है एक समलंब चतुर्भुज के आकार की। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगाते हैं, मेज की सतह का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, फार्मूला था हमारे पास 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। यहां पर समांतर भुजाएं हैं, ये आमने सामने की दो भुजाएं, इसकी लंबाई है 1 मीटर, मीन्स ए है 1 मीटर, और उसके सामने समांतर भुजा की लंबाई है बी 1.2 मीटर। एच हाइट या फिर दोनों समांतर भुजाओं के दरमियान दूरी, ये है 0.8 मीटर। हमारे फार्मूले में जो तीन चीजें चाहिए थी वो तीनों हमें पता हैं, इसलिए हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करते हैं। मेज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुना ए की जगह 1, बी की जगह 1.2 इंटू एच 0.8। एडिशन करते हैं, 1/2 एक जोड़ 1.2, इसे हम लिखेंगे 1.0, और जोड़ करके मिला 2.2 गुना 0.8। कैंसिल यहां कर देते हैं, 2 को 0.8 से कैंसिल किया, ये हुआ 0.4। मल्टीप्लाई रह गया 2.2 गुना 0.4,
2.2, 0.4, 22 4 88, दशमलव यहाँ पर एक अक्षर छोड़ के है, यहाँ पर भी पीछे से एक अक्षर छोड़ा, तो टोटल दो नंबर्स छोड़ के हमने पीछे से दशमलव लगाना है, एक दो पीछे से चलना है, एक दो, दो अक्षर छोड़ के दशमलव और जीरो, टोटल हो गया 0.88। और एक चीज और जरूरी क्या है, यूनिट्स, यूनिट क्षेत्रफल के, मेज की सतह का क्षेत्रफल, यहाँ यूनिट आएंगे मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने मेज की सतह का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर पता कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए मैदान का क्षेत्रफल पता करें। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसका आकार हमारे डिस्कस किए हुए चतुर्भुजों में से किसी प्रकार से नहीं मिल रहा है। ये ना ही समांतर चतुर्भुज है, ना ही समलंब चतुर्भुज और ना ही सम चतुर्भुज। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। इस चतुर्भुज को हम दो त्रिभुजों में डिवाइड करते हैं। पहले इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी। तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा हमारे पास, यहां ऊपर की तरफ एक त्रिभुज है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और नीचे की तरफ है बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी। ये दोनों का जोड़ कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो हमें चतुर्भुज मिलता है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जोड़। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें फार्मूला आता है, इसके बराबर होता है 1/2 गुना लंबकार गुना आधार। आइए देखते हैं इसे अप्लाई करके, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल ये मिलता है 1/2, एबीडी में लंबकार क्या है 8 मीटर, आधार 24 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल किया इसको दो के टेबल पे, 12 × 8 = 96, और क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर। उसी तरह हमने त्रिभुज नीचे वाला बी सी डी, उसका क्षेत्रफल कैलकुलेट किया, ये हुआ 1/2, इसमें लंबकार है 13 और आधार फिर से 24, इज इक्वल टू फिर कैंसिलेशन दो के टेबल पे 24, 13 × 12 156, और यूनिट्स नहीं भूलना है, वो हमने साइड पे लिख दिया। ये दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकल गया। हमें क्वेश्चन में पूछा है मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का कुल क्षेत्रफल इन दोनों वैल्यूज को जोड़ने पर हमें मिलता है 156 और 96, ऐड करके मिलेगा 252 स्क्वायर मीटर। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हमने कोई भी आकृति दी हुई थी उसको ऐसी आकृति में कन्वर्ट कर लिया जो कि हमें क्षेत्रफल का फार्मूला देती है। यहाँ त्रिभुजों का फार्मूला हमें आता है, पता है, उसके हिसाब से हमने पूरे फील्ड का क्षेत्रफल पता कर लिया है। एक और प्रश्न देखते हैं। किसी भवन के फर्श पर सम चतुर्भुज आकार की 3000 टाइलें हैं। टाइलों के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। ₹4 प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश करने का खर्च पता करें। तो यहाँ पर हमें फर्श पर सम चतुर्भुज आकार की 3000 टाइलें दी हुई हैं। आकार इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, और पॉलिशिंग का खर्च हमें पता करना है। हम लिखेंगे सम
चतुर्भुज के विकर्ण वो हमें दिए हुए हैं 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। इन दोनों विकर्णों को हम D1 और D2 लिखेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र है हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 D1 गुना D2 और इन विकर्णों को हम गुना के रूप में ऐसे लिख देंगे। कैंसलेशंस 15 टूज आर 30 बना हमारे पास 45 गुना 15 ये होता है बराबर 675 और यूनिट्स विकर्ण की यूनिट सेंटीमीटर है तो एरिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमने एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लिया है। कुल टाइलें हमें 3000 दे रखी हैं। इसका मतलब हम लिखेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3000 टाइलों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये दोनों वैल्यूज को गुना कर देंगे 675 गुना 3000। 675 को 3 से गुना किया ये हुआ 2025 और ये 3 जीरोस ऐसे ही पिछली साइड पे लिख देंगे। इस तरह हमारे पास ये 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ गया है। नाउ ₹4 प्रति वर्ग मीटर ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। मीटर के हिसाब से हमें खर्चा दिया हुआ है। प्रति मीन्स 1 एक वर्ग मीटर का खर्च आएगा पॉलिश करने का ₹4। तो हमारे वर्ग मीटर नहीं है ये वर्ग सेंटीमीटर है इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें पता है एक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 1/100 फिर 100 स्क्वायर के लिए 2 बार 100 मीटर स्क्वायर और हमारा है 2025 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके जितना कैंसिल हो रहा है वो हम कैंसिल कर देंगे बाकी ऐसे ही रख रहे हैं इस बार फिलहाल 2025/10। नेक्स्ट ये हो गया अब मीटर स्क्वायर। आगे हम लिख सकते हैं एक वर्ग मीटर में पॉलिश करने का खर्च ये हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज ₹4 और हमारे वर्ग मीटर हैं 2025/10। वर्ग मीटर में पॉलिश करने का खर्च इज इक्वल टू दोनों राशियों को हम गुना करेंगे 2025/10 गुना 4। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कैंसल 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 और 5 के टेबल पे इसको काटेंगे 5 4 ज़ा 20 2 के लिए 0 और 5 5 ज़ा 25 बचता है 405 × 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 810 और यूनिट्स हम निकाल रहे हैं खर्च यूनिट्स है रुपीस। तो हमने भवन के फर्श पर टाइलें 3000 टाइलें ₹4 के हिसाब से पॉलिश करने का खर्चा निकाल दिया ₹810। इस तरह हम अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं के हल गणित की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें। आप अपनी कोर्स बुक से इस तरह के सिमिलर सम्स जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें बेल का बटन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।